आज संसद में स्पीकर के पद का चुनाव जो है वो होना है, इसको लेकर एक तरह से संग्राम यहाँ पर हो रहा है और 48 साल बाद स्पीकर के पद के लिए चुनाव की जो है वो नौबत यहाँ पर आई है। 48 साल बाद स्पीकर के चुनाव की नौबत यहाँ पर आई है और ऐसे में इंडिया और एनडीए गठबंधन जो है वो इसके लिए तैयारी जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, ओम बिरला जो है वो एनडीए के उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले में कांग्रेस सांसद के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार बनाए गए हैं। हालांकि ये आखिरी वक्त में जो है वो तय किया गया कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वो उम्मीदवार अपना खड़ा करेगा स्पीकर के पद के लिए। और वोटिंग की नौबत अगर यहाँ पर आती है तो 11 बजे वोट डाले जाएंगे और सूत्र ये बता रहे हैं कि विपक्ष वोटिंग के लिए दबाव यहाँ पर नहीं बनाएगा। अगर ध्वनिमत से चुनाव परिणाम आते हैं तो मान लिया जाएगा और यहाँ पर वोटिंग के लिए दबाव जो है विपक्ष की तरफ से नहीं बनाया जाएगा। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, 48 सालों बाद यहाँ पर लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो है वो हो रहा है, लेकिन विपक्ष वोटिंग के लिए दबाव नहीं बनाएगा, ध्वनिमत से यहाँ पर चुन लिया जाएगा, तब तो तय माना जाए यहाँ पर ओम बिरला को चुना जाना, क्योंकि नंबर्स तो यहाँ पर एनडीए के पास ही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि ये अब एक ऐसा मंच बनता दिख रहा है जो एनडीए के लिए एक शक्ति प्रदर्शन का मंच होगा, क्योंकि कल ये खबर आई थी कि वाईएसआरसीपी के 4 सांसदों ने एनडीए के जो कैंडिडेट हैं ओम बिरला उनका समर्थन करने का फैसला किया है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि 2 और सांसद अकाली दल की हरसिमरत बादल और जो शिलोंग के सांसद हैं सायांग, वो भी ओम बिरला का समर्थन कर सकते हैं। तो एनडीए के जो रणनीतिकार हैं उनकी कोशिश है, उनकी उनका टारगेट है कि 300 का आंकड़ा छुआ जाए, जिससे कि देश में ये मैसेज जाए इस चुनाव के ज़रिए कि न सिर्फ एनडीए एकजुट है बल्कि और ज़्यादा मजबूत हो रही है चुनावों के बाद, क्योंकि ज़्यादा समर्थन उसे लोकसभा में मिलता दिख रहा है। दूसरी तरफ जो विपक्षी दलों की जो बैठक कल हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण घटक दल हैं, समाजवादी पार्टी और दूसरे दल के नेता हैं, उन्होंने ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने रखी थी कि हमारे पास संख्या बल नहीं है और कुछ विपक्षी सांसद हैं तबीश जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं लिया है और कुछ सांसद हैं जो हाजिर नहीं रहेंगे आज सदन में। ये जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई है और साथ में ये सुझाव भी कि अगर आप वोटिंग के लिए प्रेस करेंगे तो ये मैसेज जाएगा कि विपक्ष के पास आंकड़े नहीं हैं, और क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि विपक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन अगर वोटिंग होती है तो एक दूसरी ही तस्वीर देश के सामने आ सकती है। इसलिए ये सुझाव है कांग्रेस लीडरशिप के सामने घटक दलों का, कुछ घटक दलों का, कि बेहतर होगा कि हम वोटिंग के लिए प्रेस ना करें और ध्वनि मत से अगर ओम बिरला को चुना जाता है तो उस दौरान विपक्ष को वोटिंग की मांग नहीं करनी चाहिए तबिश। लेकिन हिमांशु, फिर इस तरह से तो विपक्षी पार्टियों के इस फैसले का, स्पीकर का चुनाव लड़ने का क्या फायदा जो है वो उनको होगा? इन्होंने एक तरह से शुरुआत में ये जो है खबर आ रही थी कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम विपक्ष एकजुट है और मुद्दे जो है वो उठाएंगे, संसद में मजबूती से खड़े हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन यहाँ तो एक तरह से मौका उन्होंने एनडीए को दे दिया है अपने आप को मजबूत दिखाने का कि उनके एनडीए गठबंधन के साथ और कितना समर्थन उनके साथ मौजूद है इस बार। देखिए, विपक्ष की दलील है कि ये एक सांकेतिक लड़ाई लड़ने का फैसला उन्होंने किया है। उनका ये कहना है कि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, ये बात सबको पता है, लेकिन हम इस चुनाव के जरिए ये एक मैसेज देश को देना चाहते थे, हम एक सांकेतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की दलील है कि अब तक जो संसदीय परंपरा है उसके अनुसार जो सत्ताधारी दल है उसका स्पीकर होना चाहिए और जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए अभी तक राजी नहीं हुई, जिसके बाद आखिरी वक्त पर विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। और ये बात के सुरेश जो उम्मीदवार हैं विपक्षी दलों की तरफ से, उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में ये बात कही है कि हमें पता है हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन ये खेल आंकड़ों का नहीं है, ये नंबर्स गेम नहीं है, हम एक सांकेतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके ज़रिए देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो संसदीय परंपरा है उसको बचाने के लिए विपक्ष ने ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है तबीश। जी बिल्कुल, शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है पार्लियामेंट में। तो देखिए, स्पीकर का चुनाव हो रहा है लेकिन विपक्ष की तरफ से जो संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं कि वोटिंग के लिए वो नहीं जाएंगे, ध्वनिमत से ही इसका जो है फैसला हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। समूचा प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा स्पीकर का पद पारदर्शी और संदेहों से दूर,
लिहाजा इस पद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और शासक दल का ही प्रतिनिधि स्पीकर होना चाहिए, चूंकि उसके पास बहुमत भी होता है।